वैसे तो जन्मदिन की खुशियां नई योजनाएं बनाकर और धूमधाम के साथ दोस्तों परिजनों के साथ, लेकिन शिवम ने अपना जन्मदिन एक अनोखे तरीके से मनाया। श्री डेबू जी बहुद्देशीय समाज विकास संस्था चंद्रपुर द्वारा संचालित डेबू सावली इस वृद्धाश्रम में, जहां वृद्धों की दुआएं और आशीर्वाद का तोहफा शिवम ने पाया। जब नन्हे नन्हे कदम चलना सीखते हैं और गिरकर जब उठते हैं, तब आवाज आती है माँ पापा। तोतली जुबान से जब बोलना सीखते हैं, तब पहला शब्द होता है माँ पापा। बच्चों का पालन पोषण कर उन्हें स्वयंभू बनाने का कर्तव्य निभाने वाले होते हैं माता पिता। लेकिन यही बच्चे जब स्वयंभू हो जाते हैं, तब यही माता पिता उन्हें बोझ लगने लगते हैं और किसी न किसी कारणवश इन्हें वृद्धाश्रम में भेजा जाता है, जहां यह वृद्ध अपनों के लिए, अपनों के प्यार के लिए और खुशियों के लिए तरसते हैं। इन बूढ़ी आंखों को अपनों का इंतजार होता है। कोई परिवार ऐसे होते हैं जो वृद्धाश्रम में इन्हें दाखिल कराने के बाद मिलने तो आते हैं, लेकिन कई वृद्ध ऐसे होते हैं जो निराधार होते हैं, जिनका कोई नहीं होता। ऐसे निराधारों के साथ यदि हम अपनी खुशियां बांटे, तो इससे बड़ा तोहफा उनके लिए और क्या हो सकता है। आधुनिक युग में ऐसे ही निराधारों को आधार देने वृद्धाश्रम का निर्माण किया जा रहा है, जहां वृद्धों के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। ऐसे ही श्री डेबू जी बहुद्देशीय समाज विकास संस्था चंद्रपुर डेबू सावली इस वृद्धाश्रम का निर्माण किया गया है, जहाँ वृद्धों के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। इसी वृद्धाश्रम में मन्ना महाराज त्रिवेदी, इनके बेटे शिवम त्रिवेदी ने अपना जन्मदिन मनाया। अपने जन्मदिन का इंतजार हर किसी को होता है। जन्मदिन आने पर नई नई योजनाएं बनाई जाती है और जन्मदिन की खुशियां अपने परिजन, दोस्तों या फिर किसी बड़े सेलिब्रेशन के साथ मनाई जाती है। लेकिन ऐसे भी कई लोग होते हैं जो इन सब से परे होकर अपना अनोखा जन्मदिन मनाते हैं। मसलन इन वृद्धाश्रम में आश्रित वृद्धों के साथ अपनी खुशियां बांटते हैं। ऐसा ही अपना अनोखा जन्मदिन शिवम ने इस वृद्धाश्रम में मनाया, जहां वृद्धों की दुआएं और आशीर्वाद का तोहफा शिवम ने पाया है। इसमें वृद्धों ने शिवम के इस उपक्रम से खुश होकर शिवम को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही इस खुशी के मौके पर वृद्धों ने कविताएं पेश की। इसमें वृद्धों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। साथ ही इसमें वृद्धाश्रम के अध्यक्ष सुभाष शिंदे ने शिवम के इस उपक्रम की सराहना करते उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और इस वृद्धाश्रम के निर्माण के बारे में जानकारी दी। इस तरीके से अनोखा जन्मदिन मनाकर शिवम ने आज के युवाओं के सामने एक आदर्श रखा है। आज यहाँ पर हमारे डेबू सावली वृद्धाश्रम में एक चंद्रपुर के प्रतिष्ठित नागरिक मन्ना भाऊ त्रिवेदी, इनके सुपुत्र शिवम त्रिवेदी, इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी सोच है, जबकि वो अपना जन्मदिन किसी बड़े होटल में बड़े दोस्तों के साथ में भी मना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना जन्मदिन इस हमारे डेबू सावली वृद्धाश्रम में हमारे वृद्धों के साथ में, जो निराधार है, जो बेबस है, उनके लिए ये उनके खुशी के लिए यहाँ पर अपने आके उनका जन्मदिन मनाया है। आप सभी जो लोग हैं, सभी से भी निवेदन है कि अपना जन्मदिन यहाँ पर डेबू सावली वृद्धाश्रम में अपने सुख दुख के क्षण इन वृद्धों के साथ में मनाए। ऐसे में आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, ये हमारा डेबू सावली वृद्धाश्रम 6 नवंबर 2016 को उद्घाटित हुआ, जबकि उद्घाटन के पहले ही हमारा डेबू सावली वृद्धाश्रम जो है कि 1.5 साल पहले चालू हो चुका था। यहाँ पे आज के तारीख में 17 लोग हमारे वृद्धाश्रम में रहते हैं। आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर हम डेबू सावली के आश्रम में आए हैं। या वृद्धों के साथ में जिस प्रकार से हमने समय बिताया, बहुत ही आनंद के क्षण हमें महसूस हुए हैं। इनके आशीर्वाद यही हमारी नींव है, बुजुर्ग ही हमारी नींव है, यही हमें सही मार्गदर्शन करते हैं, यही सब बताते हैं। तो हमारे जो शिंदे काका, इन्होंने जिस प्रकार से जितना आश्रम चलाया है और सभी वृद्धों का सेवा करते हैं, इनके साथ हमारी शुभकामनाएं है, सदैव बनी है। हमारा ये जिस सब प्रकार से मेरे मित्रों ने सब, मैं इनका खास तौर पर धन्यवाद दूंगा। जिस प्रकार से इन लोगों ने सबने एक आयोजन किया है और इतना अच्छा नियोजन यह किया है, उसके लिए मैं इनका भी सबका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। ऐसी सबका इनका प्यार इसमें ये सब मेरे साथ बना रहे, ऐसी माता जगत जननी माता महाकाली के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ।
मैं सभी युवाओं से भी ये अपील करता हूँ कि वे अपने जन्मदिन में ऐसा जन्मदिन मनाकर एक संदेश दे कि हम भी हमारे भी सामाजिक कर्तव्य पूरे करें और एक जन्मदिन का साल का एक दिन सब युवा इसमें देखें, ये मुहिम को आगे बढ़ाए। मैं इसी अपील सब युवाओं से भी करता हूँ। मेरा नाम सुखदेव ठाकुर है। मैं हिंगनघाट का वर्धा जिले का रहने वाला हूँ और करीबन अभी मैं डेबू सावली वृद्धाश्रम में चार पाँच महीने से यहाँ रह रहा हूँ। तो यहाँ रहते हुए मुझे जो अनुभूति जो हुई है मुझे, और हम यहाँ पर रहने वाले जनरली यानी सभी जेंट्स और लेडीज लोगों को इस तरह की अनुभूति है कि ये वृद्धाश्रम जो है वृद्ध लोगों के लिए सुभाष भाऊ शिंदे ने यहाँ पे महाकाली नगरी चंद्रपुर में बनाया है। तो जो जरूरतमंद लोग है, जो अभावग्रस्त है, जो जरूरतमंद लोग है और जिनको बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए ये उन्होंने बनाया है। और यहाँ पे बना के वो यहाँ पे रहने के लिए जो लोग आते हैं, जो वृद्ध पुरुष और महिलाएँ आती है, उनके यहाँ पे पूरी तरह से रहने की भी व्यवस्था है। मला कोणाचा आधार नाही, मी निराधार आहे। मी ट्यूशन क्लासेस घेऊन मुलांना शिकवित होती, पण इथे आल्यानंतर मला इतका आनंद वाटतो, खूपच आनंद वाटतो। इथे लोक आपापले वाढदिवस साजरे करतात, त्याचप्रमाणे आज सुद्धा त्रिवेदी यांचा वाढदिवस आहे आणि त्याच्यामुळे हे लोक आमच्यामध्ये इतके रमून जातात, आम्ही पण त्यांच्यामध्ये खूप रमून जातो। ते आम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे भोजन देतात, कपडे देतात आणि अशा प्रकारे वाढदिवस आपला साजरा करतात। मला पण इथे खूप बरं वाटून राहिलं। हाथ टेबल पे रखना।